गुड इवनिंग सर। आगे नहीं पढ़ना बोल दे, आगे तो पढ़ना ही नहीं है, इलेवेंथ में जाना ही नहीं है तूने तो। इलेवेंथ में वो ये सब तो ही बताएंगे इलेवेंथ में। एक्सक्यूज मी सर, क्यों अगले चैप्टर में कितना आ रहा है? तो है ही कितना है उसमें? हेलो छोटा सा। कहाँ नहीं है, हम पढ़ाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम पढ़ाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, हम पढ़ाएंगे ठीक है उसको। नहीं नहीं क्या होता है नॉमिनेचर तो आ रहा है ना? नो सर वो नहीं आ रहा है, दिखाना। सर जी कटा हुआ है जो कटा कौन नहीं है ये बताइए मेरे को, ये तो कट गया ना। तो वो तो बुक में देखो ना, ये तो पता है। बाकी एथेनॉल सोप ये तो पढ़ाया ही नहीं ना, एथेनॉल भी एथेनोइक एसिड भी सोप डिटर्जेंट ये तो पढ़ाया ही नहीं है ना। नॉमिन क्लेचर पढ़ाया है, ये और बोले जो सीरीज में भी कुछ नहीं आना था। कहां सर एथेनॉइक भी पढ़ाया आपने? लिख ले लिख लिया ना आप, आपको आपको तो करवा दिया ना दोनों को, डाउट क्लासेस में आए थे। क्या होता है होमोलोग सीरीज, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर होते हैं एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है, जैसे कि सक्सीडिंग मेंबर यहाँ पर भी दिया गया है, विच हैव सक्सीडिंग मेंबर डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3, लिख लिए लिख रहे हैं। जैसे कि हम C2H6 का लें, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 bond CH3। ठीक है, यहां से मेंबर डिफर होना स्टार्ट होता है, जैसे कि इसमें CH3 रहेगा, CH3 इसमें हम क्या जोड़ देंगे CH2, C2H5 बनेगा, ठीक है CH3 के बाद CH3 bond CH2 bond CH3। क्या हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जाओगे CH2 बढ़ाते जाना, या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में समझो सुनोगे तो इसमें 14 मॉलिक्यूल्स, CH2 का कितना होता है मॉलिक्यूलर
14 आप आगे की तरफ बढ़ाते जाना है इसके, जैसे 14 इसमें जोड़ दीजिएगा मॉलिक्यूलर तो ये बढ़ते जाएगा। चालू मत करो, देखो CH2 CH2 CH3 इस तरीके से चेन। कितना हो जाएगा C4H10 किसका होता है, C4H10 सर ब्यूटेन। C4H10 का कितना होता है, किसका होता ब्यूटेन है? किसका होता है C4H10? हाँ ब्यूटेन। क्या कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, इधर ऑनलाइन वाले भी। सर मैंने बोला ना ब्यूटेन। C5H12 इसमें इन दोनों के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स का फासला है, कितना ऐड करेंगे इसमें तो ये बनेगा ये स्ट्रक्चर, इसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब ये स्ट्रक्चर बनेगा। सर क्या बनेगा तब? बॉन्ड CH2। सर लेफ्ट साइड को बोल नहीं आ रहा, चलिए कोई नहीं। यहाँ देखिए CH4H10 था, इसके बाद हमने आया C5H12। ठीक है, कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन इसमें ऐड करेंगे तो ये बनेगा CH2 को लगा देंगे CH2 हाइड्रोजन। अब इसके बाद आ जाता है C6। सर आप क्वेश्चन करा रहे हो C6H14 कितने ऐड किए हमने इसमें, एक और CH2 दो हाइड्रोजन CH2। अगर इसके मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिखेंगे तो इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, 14 होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 2, 14 इसका भी 14। अब ये पढ़ सकते हो, अब जो प्रॉपर्टीज है अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी है, इन विच सक्सीडिंग मेंबर डिफर इन मॉलिकुलर फॉर्मूला, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा सक्सीडिंग डिफर आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे मीथेन से, तो CH2 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 जोड़ते जाइएगा, वो आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला बनते जाएगा नीचे तक, में ज्यादा कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है हमें। इसके बाद आ जाइएगा C6H14 था नीचे, C7H16 इसमें हमने CH2 जोड़ा, यदि मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर बोलेगा तब मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में 14 हमने ऐड किया वेट मॉलिक्यूलर वेट, तब ये आ गया ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद हमने बॉन्ड CH2 जोड़ेंगे तब C8H18 आ जाएगा CH2 CH2। ठीक है, ये आप लिख लीजिए और ये आपको पता होना चाहिए बस, इसमें और कुछ नहीं है। किसके इसके बाद आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, नहीं अलग से है उसमें। क्या होता है बच्चे नहीं आ रहा तो एक ही चैप्टर तो बचा है, तो कल पेपर है क्या आपका, कब है पेपर है, 10 दिन के बाद है ना, लो सैटरडे की भी क्लास हम ले लेंगे। ठीक है, आपको केमिस्ट्री की जल्दी पढ़िए तो हो जाएगा, हम कर देंगे ये। क्या आइसोम कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से आइसो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमर,
ये नहीं करवाया है? नहीं, चलिए कोई नहीं, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ोगे आप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही पढ़ोगे। ये कितने टाइप्स के होते हैं ये लिख लीजिए, चेन, चेन आइसोमर, पोजीशन, फंक्शनल, टोटोमर, मेटामर, MER। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमर, समेरिज्म और लास्ट आपका आता है रिंग। सर पर हमने पिछली बार तीन ही किए थे स्टार्टिंग के, रिंग चेन, ठीक है। इसमें भी होते हैं तो हम लिखवाएंगे नहीं, आप बोलोगे फिर ये तो आएगा नहीं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ये है इसमें, कॉन्जुगेशन होता है, नहीं अब यही लिखो, अब टेन, पोजीशन, फंक्शनल, शॉर्ट ओमर, ठीक है ठीक है ठीक है, उतना ही देंगे, ठीक है भेज देना। आइसोमर क्या होता है लिखिए, हाँ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम लेते हैं एल्केन में C4H10, कितने आइसोमर शो करेंगे C4H10? कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला रहे है इसका और स्ट्रक्चर इसके और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, तीन बनेंगे। सर ये कैसे बताता है कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे? दो बनेंगे इसमें, दो बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे यहीं पर नेमिंग भी आ जाएगा यहीं पर, आइसो और नियो वाला बनाइए जरा, देखिए बनाइए कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, इधर अरे सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, इसका ये मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल सेम होगा बट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, बस यही है आइसोमर, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला जो हम जो अलग से इधर स्ट्रक्चर बनेगा आपका उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, नहीं दो स्ट्रक्चर बने, एक्सक्यूज मी सर, सर हमें कैसे पता चलता है सर कि कितने चलिए एक का बता देते हैं हम, बाकी के बनाइए, दो स्ट्रक्चर बन रहा है ना इसके, सर हमें पता कैसे चलता है सर कि कौन से मॉलिक्यूल के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, कितने हैं, पहले तो कार्बन ले लीजिए आप,
वन टू थ्री फोर कार्बन. एक्सक्यूज मी सर. ठीक है, इस तरीके से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फोर कार्बन लिए आपने, इसका हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री. एक स्ट्रक्चर ये हो गया. एक्सक्यूज मी सर, इधर देखिए, एक स्ट्रक्चर ये हो गया. कोई नहीं दिख रहा सर, मेरी आवाज आ रही है. ठीक है, उसके बाद सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और बॉन्ड सी एच थ्री, ये दूसरा स्ट्रक्चर. वो स्ट्रक्चर बोला है हमने. दिखा, स्ट्रक्चर है तो वही तो है. ये भी ठीक है. इस वाले कार्बन में तीन है और एक पर ऊपर. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन है ना. हाँ ठीक है. तो इसमें क्या है, इसको ही खोल, ये जो हाइड्रोजन आप फैला दो इनको सब चारों तरफ, वही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा. एक्सक्यूज मी सर, कॉम्प्लिकेट ये. अरे आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सर आपको आवाज आ रही है? ठीक है, दो ब्यूटेन जो होता है दो ही आइसोमर स्ट्रक्चर शो करता है. ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे का देखिए कितने स्ट्रक्चर करता होगा. C5H12 C5H12 बनाइए स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर. हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर आवाज आ रही है? C5H सर आपको आवाज आ रही है? ठीक, सीधा सीधा तो एक तो बने के होने. सर जी, सर आवाज आई? जी सर आपको आवाज आ रही है? हाँ ओके सर. सर मैं पूछ रहा था सर कि हमें पता क्या चलता है कि मॉलिक्यूल्स के सर कितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं? दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें CH4 में, इसमें तीन स्ट्रक्चर बनाकर देखिए ना. कैसे पता चलता है सर? जो स्ट्रक्चर तीन बन रहे हैं बनाकर देखोगे तो पता चल जाएगा. इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा, आप ही देखिए ना CH4 वाला. आप शॉर्टकट पूछ रहे हो तो शॉर्टकट भी है, सीधा याद रख लेना. पहले ये इस तरीके से आप सीख जाइए, इसके बाद कहीं सपोज करो हमने यहाँ इसको लगाएंगे तो ये तो यही वाली चेन बन जाएगी. वो तो आपको बनाकर देखने पड़ेंगे ना कि स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं. ओके सर ठीक है. CH4 का तो okay, हमने बता sir. दिया. C5H12 का देखिए आप लोग. सर तीन बनेंगे इसके. तीन तो बनेंगे, तीन बनेंगे. ठीक है समझोगे, समझ जाओगे. चलिए बनाइए एक लास्ट वाला बनाइए. सर आप हेडफोन प्लीज ठीक था से सर सर कर लो. सर इतनी देर से बुला रहा था सर, आपको आवाज ही नहीं आ रही थी. अच्छा सर मैंने क्लास कनेक्ट की थी तब से बुलाया जा रहा, आपने जवाब ही नहीं दिया कोई. बच्चे आवाज नहीं आ रही थी आपकी. चलिए कोई नहीं, अभी आ रही है. अब यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं. वन टू थ्री फोर फाइव, एक स्ट्रक्चर ये हो गया. इधर देखिए बन गया तीनों. दौड़ाए जा रहे हो यार. ठीक है इधर देखिए, एक स्ट्रक्चर ये बनेगा.
इसमें हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो, ये एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, मैं भर दूंगा हाइड्रोजन भाई, फिकर नहीं कर, ठीक है ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, C2H5 तो नहीं सकता, चार बनेंगे फिर किसके, तीन है, तीन बनेंगे, ये गलत है। दो तो चार, एक पांच, पांच कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर क्या बोला गया उसमें, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम प्रॉपर्टीज अलग होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। ये देखिए ना, इसका 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 नेम, इसका नेम क्या है, एन पेंटेन। इसका हमने उस दिन बताया था आप लोगों को, आइसो पेंटेन, उसे नीचे नियोपेंटेन, 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 ठीक है। अब सपोज करो हमने ये वाला कार्बन, बाय द वे हमने यहां लगाया तब तो इसी का ही वो हो गया ना कॉपी, और इसको हमने यहाँ लगाया तो यही वाली चेन होगी, लंबी वाली चेन बन जाएगी। तो उनको आप वो स्ट्रक्चर में नहीं ऐड कर सकते। हमने जैसे ये कार्बन को उठा के यहाँ लगा दिया तो यही इसी की कॉपी हो रही है, और इसको लगा कर यहाँ लगा दिया ये तो लंबी चेन हो गई, यही वाली बात आ गई। एक्सक्यूज मी सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए साथ साथ में जी। सर जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो सर डिफरेंट फॉर्म्स है सर, हमें बस पहले तीन ही करने हैं ना, चेन पोजीशन और फंक्शनल। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ हमने पहले तीन फॉर्म्स करने हैं ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। हाँ, इसके बाद चलिए ना आप लास्ट के तीन देंगे ना हमारे सिलेबस में। हाँ, वो एथेनॉल पढ़ाएंगे नहीं आपको, और क्या है, एथेनॉल, हाँ एथेनॉइक एसिड करवाएंगे नहीं, सोप करवाएंगे नहीं। सर मैं ये पांच की बात कर रहा हूँ, जो आपने छह लिखी है बोर्ड पे, बोर्ड पे ये, हाँ ये इसमें अगर नहीं आएगा, ये टोटोमर्स नहीं है, मेटामर्स है, स्ट्रिंग चेन नहीं आएगा, ये दो ही में काम चल रहा है अभी आपका, चेन एंड पोजीशन में ही। सर इसमें से पोजीशन और फंक्शनल कौन सा वाला है, सेकंड और थर्ड में से? इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तब पता चल जाएगा, पहले ये वाला बनाकर देखिए। C6 क्या आएगा? नहीं नहीं, C6 X14 देखिए, बनाकर देखना, तीन तो ये ऐसे ही बन ही गए, एक बनेगा अलग से, पांच बनेंगे इसके, पांच स्ट्रक्चर बनेंगे। सर तीसरा वाला तो बन नहीं सकता सर, नियो वाला। अब बनाइए तो सही, एक बार कोशिश तो कीजिए। ये वाला हमने बताया तो है, इसमें हाइड्रोजन भर देना ना, ठीक है हमें नहीं सर, सर वो बात नहीं कर रहा सर, मैं कह रहा हूँ जो थर्ड वाले आपने नियो पेंटेन की तरह बनाया सर, वैसा वाला तो ना बनेगा C6H14 में? वैसा नहीं बनेगा, बनेगा पर एक साइड बनेगा। अब बनाइए, इसको CH3CH2 भी तो लिख सकता था भाई, बना पहले बना तो ले, पांच चेन ही है बच्चे, वो चेन ही बन गया, वो चेन ही। Yeah, well.
सेकंड वाला देखना भाई। तीन स्ट्रक्चर बहुत इजी है, तीन स्ट्रक्चर यार आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं यार। 1 2 3 4 5 6 एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, इधर देखिए और 1 2 3 4 5 दूसरा स्ट्रक्चर ये जी 7 है 1 2 3 4 5 6 हाँ ये बनेगा एक। ठीक है थर्ड वाला बताइए, थर्ड वाला कहाँ लगाए, थर्ड वाला अब बताइए बच्चे, पहले तो यहाँ था हमने यहाँ लिया, अब कहाँ ले आ? पहले हमने यहाँ यहाँ था कार्बन, हमने यहाँ लिया उसके बाद यहाँ ले लो, ठीक है। अब यहाँ से करोगे इस साइड तो कॉपी होती जाएगी उसकी, है ना। तो थर्ड आपका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 ये आ गया। कौन से और बनेंगे, लास्ट के दो स्ट्रक्चर बताइए इधर 4 5 वो भी तो बना ही लिया आपने, एक एक बना, चार बना लिया तूने, एक पहले हमने 6 के लिए 5 अब 4 दूसरे और तीसरे में, इसमें देखना इस वाले पे था अब वो सेंटर पे आ गया, अब इधर कुछ समझ नहीं आ रहा तेरे को, सेंटर पे इससे आ गया ना, अब यहाँ से लेंगे ना इसमें तब इसकी कॉपी बनती जाएगी, और यहाँ लेंगे तो इस फर्स्ट वाले की कॉपी बनेगी, ये बन गया। लास्ट क्या होगा, लास्ट वाला बनाया उसने, क्या होगा लास्ट वाला, क्या होगा आदिश लास्ट वाला स्ट्रक्चर आपका, अरे इस कार्बन को कहाँ रखें सर, जो दूसरे वाले के साथ जो इसके राइट वाले में है, 1 2 3 4 5 6 हाँ वो तूने ऊपर लगा दिया, चेन ऊपर लगा दिया, पर वही वाला स्ट्रक्चर है जो तूने बनाया, ठीक है। ये वाला सर ये C6H12 का था ना, C6H14 हाँ C6H14 का था, हेप्टेन का बनाइए C7H16 9 बनेंगे 9
हेप्टेन। अब बनाओ ना जो जो आता है, तीन बना सकते हो, जो जो तीन बना सकता है वो तीन बनाए, जो चार बना सकता है वो चार बनाए, जो 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 इजी है उसको पहले बनाइए। आप हाइड्रोजन में हाइड्रोजन नहीं लगाओगे फिर भी ठीक है, समझ जाएंगे हम, हाइड्रोजन लगाना भी इतना इजी। बनाइए इसका, बनाइए बनाइए इसका स्ट्रक्चर ऑनलाइन वाले भी। सर दिखाई नहीं दे रहा कुछ, नहीं दे रहा है दिखाई, इसको लिखो C7H16 कॉपी में। सर अभी थोड़ा ब्लर हो गया बोल। C7H16 ये ठीक है सर, ठीक हो गया वापस बोल। ठीक इजी वाला बनाया करना बच्चे, यहाँ यहाँ चेन लगाया, यहाँ की बात तूने सीधा यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा सकता था एक, बना तो सही है पर ऊपर नीचे से। सर ऑक्टेन के 15 हैं। ऑक्टेन के 18 35 75 सर इतने कौन बनाएगा? बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं बच्चे, बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ यही तक ही बनाना है हमें, 18 तक रहने दो। ओके सर। उतना भी वो नहीं है, आपकी जान नहीं निकालेंगे। हम ये बता रहे हैं, इधर देख लीजिए, इधर देखिए पहले फिर बनाते रहिएगा। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये जो है इतने आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, ठीक है, बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। जब 9 तक हो गया ना, तुमने अंडरलाइन भी कर दिया था 9 तक ही रहेगा। वो चेन बन जाएगा, वो एक उसी में से बना है जो तूने बनाया ना पहले, दो उसी में से एक बना है। आप कोई भी एक लंबी चेन लेगा ना तो फिर पता चल जाएगा उसको, और कोई हिंट तो नहीं बनाया ना तूने? नहीं, किसने बनाया ना? नो बन गया ना, दिखा सर। Thank you.
बनाने का तरीका भी मैंने बताया था, पहले तो एक सीधी वाली हो गई, सीधी वाली, हाँ ये, फिर ये यहाँ लगाना था ना एक, फिर इस कार्बन पे भी लगाना चाहिए था ना एक, ठीक है, फिर इधर आते हैं, फिर डबल होता जाता है ये, ठीक है, फिर तीन, फिर इसको भी कम करते जाना ना, ये चीज चेन है ना, इसको भी कम करते जाना, हाँ फिर कम बन गया नहीं, ये इसको तो रहने ही देना था यहीं पर, ये बन जाता है, ये यही बन गया, ये वाला, ठीक है, के बाद ये तो चेन बन गई ना लंबी वाली, इस तरीके से ऐसे लूंगा तो ये लंबी चेन बन गई, यही वाली, आप वो वाला देखिए जो मैंने लिखवाया था C6H14 वाला, तो फिर ये भी इजी ही बन जाएगा, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो, फोटो की कॉपी लाना आप लोग, केमिस्ट्री की नोट बनाए, कॉपी में लिख, कॉपी में लिख, नहीं नहीं कॉपी में लिख, अरे लिखने में क्या जाता है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, सात का है ना, एक दो तीन चार पाँच छ सात, ये आ गया, ठीक है, एक दो ये बन गया, ठीक है, अरे चार बन गए, बाकी भी बनते जाएगा, इसको ना इस चेन को कम करते जाना, इस चेन को कम करते जाना, जितना भी कम हो, हाँ जितना भी कम होता जाए, C3H8O का बनाइए, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कम वाले C3H8 का बनाइए, C3H80 जीरो नहीं ऑक्सीजन है वो, OH, हाँ के चार बनेंगे, बना हुआ, ठीक है, ओ लगा हुआ है, ऑक्सी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल लगाया ना, फंक्शनल ग्रुप, अरे सजाने के लिए लगाया हमने नहीं इसको, फंक्शनल ग्रुप है, क्वेश्चन है दिया तभी, एक क्वेश्चन करो इसका पहले, बस इसको ऑक्सीजन ही, हाँ तीन चार चार चार, इस हाइड्रोजन को लगाकर आप ऑक्सीजन अल्कोहल बना सकते हैं इसको, चार बनेंगे, चार इसके स्ट्रक्चर चार बनेंगे,
ये चार नहीं बनेगा, एक मिनट ये चार नहीं बनेगा, ये सिर्फ दो ही बनेगा, ये दो ही बनेगा। दिखाना आप लोग भी, दो बनेगा इसका। हाँ ऐड लगा है ना, वो तो बताइए, वो तो लगाना ठीक है, लगा दे भाई, लगा दे। तो ठीक, हाइड्रोजन लगाना है इसमें, हाइड्रोजन जरूरी है, हाइड्रोजन लगाना है इसमें, ठीक है। ठीक है ठीक, ठीक है ठीक है। एक दो तीन, नहीं 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 पांच हो गए। ये एच किसके साथ है, ऑक्सीजन बताना जरा। तो फिर दो बॉन्ड कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन कैसे बनाएगा दो बॉन्ड। ये पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच, ठीक से बना, उसके बाद बुला। इसमें हमने बॉन्डिंग करके दिखाना है। इसमें आपको इधर देख लीजिए, फर्स्ट क्या रहेगा, CH3 CH2O CH3 वैसे ही बना है आपका भी एक। CH2 और OH। आपने भी इकट्ठा ही लगाया था, बस उसमें क्या कर दिया था आपने, इसको डबल इससे भी जोड़ दिया था। दो दो बस इतना ही है इसमें, इसमें फिर है नहीं इसका भी। आज खत्म क्या, आगे का फंक्शनल ग्रुप तो आ रहा है ना, हम क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं आ रहा है। दिखा इलेवेंथ में आना आप लोग, इलेवेंथ में फिर आपको देखेंगे, ठीक है। बता रहे चंडीगढ़ जा सकते हो, है ना, गैस नहीं किया पापा है वो। क्वेश्चन लिखिए, इसी से ही पूछेंगे हम। एस्टर, एस्टर का फॉर्मूला लिखिए। हाँ नेमिंग फंक्शनल ग्रुप, जी चलिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एस्टर क्या होता है,
बताइए एस्टर का जनरल फार्मूला, मॉड्यूल से ही पूछ रहे हैं, नहीं पता। ईथर का, अरे फंक्शनल ग्रुप का ही पूछ रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर नहीं करवाया, कार्बोक्सिलिक एसिड करवाया, क्या होता है फॉर्मूला इधर बच्चे आप, बॉन्ड सी डबल ओ एच। एल्कोहल का क्या होता है जनरल फॉर्मूला, बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड ओ एच। एल्डिहाइड सीओ, सी बॉन्ड सीओ। एल्डिहाइड का होता है सी एच ओ होता है बॉन्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ और एच इस तरीके। कौन कीटोन का, कीटोन सी डबल बॉन्ड ओ ये रहेगा। तो आप और कैसे लिख सकते हो बताइए, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बॉन्ड सी। Yes, और sir. क्या फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था हमने, अल्कोहल हो गया, कीटोन एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एल्केन, एल्केन हाँ, हेलो एल्केन। एक्स इज इक्वल टू क्या, क्या क्या था हमारा, क्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन, ये इतने थे, ये याद रखिएगा। चलिए आप नेमिंग कीजिएगा इन्हीं की, कॉमन नेमिंग भी बताइएगा साथ साथ इनके, ठीक है, कॉमन नेमिंग जी। फाइव ओ एच, हाँ सी थ्री एच, सी थ्री एच फाइव सी ओ ओ एच नेम हेयर प्रोपिलिक एसिड, ठीक। इसका क्या नेम हो जाएगा, ठीक सर, ब्यूटेनल। और इसको कॉमन नेम, हाँ ब्यूटेनल नहीं होगा, नॉन, अरे कीटोन है, ब्यूटेनोइक एसिड क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक सर, ये तो हमने पहले भी लिखा था सी थ्री एच फाइव। ब्यूटेनल पेंटेनल, पेंटेनल सर, क्लोरो क्लोरोपेंटेन,
क्लोरोब्यूटेन फाइव क्लोरोपेंटेन क्लोरोब्यूटेन क्लोरोपेंटेन क्लोरोपेंटेन ब्यूटेन ब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन वन टू थ्री फोर अरे ब्यूटेन है प्रोपेन हाँ चार कार्बन है अब रुकिए हो गया ना आपकी नेमिंग इसका थ्री मिथाइल क्लोरो ब्यूटेन क्या क्या बोला आपने थ्री मिथाइल क्लोरो ब्यूटेन थ्री पे मिल रहा है पक्का थ्री पे टू है सर सॉरी टू है वन टू क्या हो जाएगा क्या 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 बनेगा टू बोलने दो वन टू थ्री फोर है ब्यूटेन होगा रुको रुक यहाँ नहीं दूंगा डबल बॉन्ड क्या है टू मिथाइल क्लोरो ब्यूट ब्यूट वन इन नहीं मुझे कॉपी में लिख के दिखाओ कॉपी में लिख के दिखाओ हाँ इसका नेम क्या दिखाना सर ये ब्यूट वन ही हाँ देखा तो ये ब्यूट इन बोला है और बाद में बाद में बहुत बन गया सर ये क्या बताएं सर ऊपर वाले का है क्लोरो क्लोरोब्यूटेन इन यहाँ वन इन लगाना था बस मिथाइल भी लगा है ना टू पे तो टू मिथाइल लिखना यहाँ ये लगा है ना मिथाइल इधर देखो टू पर लगा ना मिथाइल तो यहाँ पर इसका हो जाएगा टू मिथाइल टू मिथाइल क्लोरो वन टू थ्री फोर ब्यूट वन इन कॉपी में लिख कॉपी में लिख कॉपी में इधर क्या होगा ऑनलाइन वाले फर्स्ट का
ठीक है इन वाला इन कहाँ पे लगा है वो उसको भी शो ऑफ करना पड़ेगा ना इन टू लग जाएगा ना फ्लोरो के आगे में क्योंकि फ्लोरो भी तो टू पे है ना उसको भी तो बताना पड़ेगा कहाँ पर है बेचारा फ्लोरो उसके बाद देखिए मिथाइल किस पोजीशन पे है फ्लोरो किस पोजीशन पे है एंड उसका नेमिंग कीजिए इसका कर देना नेमिंग हो गया मिथाइल फ्लोरो टू फ्लोरो लिख सकते हैं यहाँ टू फ्लोरो ब्यूट इन कितना 1 2 3 4 5 का है ना 5 पेंट वो लिखो हाँ टू मिथाइल पहले आएगा टू मिथाइल किस नंबर पे है ना ये मिथाइल देखिए 1 2 3 पे 3 मिथाइल टू फ्लोरो पेंट वन इन हो गया ना इधर देखिए 1 2 3 4 5 फाइव मेंबर ड्रिंक चेन है ये सबसे पहले उसके बाद टू पे फ्लोरो है 3 पे मिथाइल है तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल 2 फ्लोरो पेंट 1 इन सर हम मिथाइल पहले लिखेंगे फ्लोरो पहले लिखेंगे मिथाइल को पहले लिखेंगे एक 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 और लो रुक 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 जा कितनी जल्दी जाने के घर यहीं पर ही देंगे बीआर टू ही लगेगा वहां पर आगे पीछे कर दिया तुमने नेमी थ्री पहले लिख दिया था डाई आपने पहले लिखी थ्री डाई में ठीक है हमारा अवार्ड हाँ जल्दी बना दिया तो क्या होगा अवार्ड मिल जाएगा कितने हाँ 5 मेंबर देंगे ना ठीक है आपका भी ठीक क्लास ही एंड कर रहे हैं ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे सुनिए टेस्ट ना कार्बन एंड कंपाउंड से ही आएगा क्लास में रहा नहीं बता भी नहीं पाऊंगा कार्बन एंड कंपाउंड से हाँ हमने जितना पढ़ाया उतना देंगे ये बहुत अच्छी बात होती है अगर समझोगे तो चलिए ठीक है फिर ओके सर लास्ट वाले का नाम बता दो प्लीज लास्ट वाले का 1 2 3 3 डाई मिथाइल 2 ब्रोमो इसका नेम क्या है पेंट 1 इन थैंक यू सर ठीक है चलिए बाय सर
बाय।